अरे अरे सोडा त्याला, सॉरी पण मी आला ना, सोडा 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 ना त्याला. साहेब साहेब, मेरा बेटा एकनाथ वाघमारे, इसका नाम है साहब. छोड़ दीजिए साहब, इसने कुछ नहीं किया, ये किसी को मार नहीं सकता साहब. तुम जानते हो किसके टुकड़े? छोड़ दो, मैं लेके आया सबको, मैं लेके सबको मालूम पड़ना मांगता है. अरे क्या बोल रही है साहब? इसने मेरे को उधर लेके गया था, उधर बॉडी के टुकड़े है. किधर? वो खाड़ी के पास और भी टुकड़े है, बहुत टुकड़े है साहब. यहाँ बॉडी के टुकड़े हैं. देखिए साहब, ये साहब यहाँ पर भी कुछ मिला है. जैन सर, जोशी प्लीज लुक इनटू द मैटर, इससे पहले कि कोई हंगामा हो. सर हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए, विल डू आवर बेस्ट. सर सर, लगता है कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए लाश के टुकड़े फैला दिए. सबसे पहले तो इन टुकड़ों को जमा करो और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो. ये पता लगाना है कि एक ही आदमी के बॉडी के पार्ट्स हैं या फिर अलग अलग लोगों के. हेड, बॉडी का हेड मिलना बहुत जरूरी है सर, की तलाश जारी रखो. और इस लोकेशन के रूट पर अगर कोई भी सीसीटीवी फुटेज सोर्स है उसे चेक करवाओ, और वो एकनाथ वाघमारे, उसकी हिस्ट्री निकलवाओ. यस सर. नमस्कार, आदाब. मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं. एक अज्ञात इंसान की लाश के टुकड़े पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए थे. यह अपने आप में एक संगीन खबर थी. मीडिया और पब्लिक इस केस को रोज फॉलो कर रही थी. हर रोज पुलिस के पास एक नई इन्फॉर्मेशन आती और हर रोज मीडिया में एक नया खुलासा होता. तहकीकात करती पुलिस टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल था लाश की शिनाख्त का. किसकी थी ये लाश? किसने इतनी बेदर्दी से हत्या की थी और क्यों? और लाश के टुकड़ों को पुलिस स्टेशन में लाने वाले एकनाथ वाघमारे का इस हत्या में क्या रोल था? अरे वाह, यह हुई ना फनकार की एंट्री. कोई धमाल का धुन सुना दे मेरे यार. ठीक नहीं किया पीटर डिकोस्टा, ठीक नहीं किया तूने. उनको सब सिखाया संदीप ने, पर अपना गुरु से कैसा बात करने का अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखा पाया. लेट इट बी, अपना बच्चा है, थोड़ा ड्रंक है, होश में आएगा तो संभल जाए. अरे मेरा करियर खा गया तू पीटर डिकोस्टा, जान से जाएगा एक दिन, तू नहीं बचेगा साले पीटर डिकोस्टा. थैंक यू पीटर. तू इतना अच्छा इंसान है, फिर काय को ये जानवर के साथ दोस्ती रखता है? डॉक्टर साहब, इंसान जानवर नहीं होता. हाँ, लेकिन उसका अंदर एक जानवर जरूर पत्ता है, उसको कभी बाहर निकलने नहीं देना चाहिए. सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे. देखो अभी इंक्वायरी चल रही है, एक बार कुछ ठोस हाथ लग जाएगा तो भेज देंगे तुम्हारे साथ. नाइन नाइन नाइन, अब ये क्या है? मर जाएंगे, तुम मर जाएंगे. अरे भाषा पोरा, क्या बोल रहे तू? अरे होश में आ. मर जाएंगे,
मर जाएंगे सब। मर जाएंगे। सर ये तो दिमागी मरीज लगता है। हॉस्पिटल ले जाकर जांच करवाओ इसकी। मरीज है, हमें मरीज बनाने की कोशिश कर रहा है, सब पता चल जाएगा। क्या लगता है सर, ये 999 कातिल का नाम है या कोई कोड है? आई मीन हमें इस नंबर से कातिल की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते कमल। सबसे पहले बॉडी की शिनाख्त करनी है। जितने भी टुकड़े मिले फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। लाश को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करवाओ। टुकड़े किसके हैं? मुझे पीटर डिकॉस्टा से मिलना है, बाबा है मेरे। के अंदर म्यूजिक चल रहा है, आप बाद में आना, प्लीज साइड में जाइए। तू फोन नहीं उठाती आजकल, मेरा प्रॉब्लम है क्या कोई? ये अभिषेक कहाँ है तू? ये कार लेके जा। आया सर। अंजलि कितना टाइम बोला मैं तुमको ये अभिषेक के साथ नहीं घूमने का? ये अभिषेक अच्छा लड़का नहीं है, बोला ना, पर तू मैं के उसके साथ ही घूमता रहता है। पैसा है ना? ओके अंकल, क्या प्रॉब्लम है आजकल? सर फोड़ेगा तेरा मैं, चलो। सर फोड़ेगा मेरा। आप फोड़। ए बुड्ढे, क्या लड़की को लाइन मारता है? कौन से वर्ड तुम्हारी तरह? मेरा नजर गंदा नहीं है, कुछ गंदा नहीं है, समझा ना? तू रास्ता अच्छा बच्चू। उम्र देख के गुलाटी मार, समझा ना? बताएगा तेरे को, अच्छे से बताएगा। मैं बताएगा तू, गेट आउट, चलेगा पता तेरे को। पीटर कूल 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 अनिल, you go. Go, 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 go. ये क्या क्या है पीटर? काय को दूसरे के फटे में टांग डालता है? ऐसा नहीं है डॉक्टर, क्या ना कि अपना अकेलापन दूर करने के वास्ते कभी कभी दूसरों को हेल्प करने का कोशिश करता हूं। हेलो, वक्त पर पहुंचने की आदत है पुरानी हमारी, ना कोई ट्रैफिक का बहाना ना कोई झूठ। आ रहा हूँ। अरे फोन काटोगे तभी तो आऊंगा। चलो बाय बाय। क्या हुआ मेरे शेर, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए? वो काका कुछ पैसों की जरूरत थी, आज कॉलेज में लास्ट प्रैक्टिकल है ना, तो दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। इतनी सी बात और इतनी सुंदर शक्ल खराब करके बैठा। रुक बेटे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे बटोरने में निकाल दी, और अगर ये पैसा मेरी फैमिली के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? ये सारे रख, ऐश कर। थैंक यू सो मच काका। अरे अरे अरे, यू आर सो ग्रेट। ध्यान से बाल निकल जाएंगे, तुझे पता नकली है। चल चल तू ऐश कर। रोज जाती और जाएगी भी मैं। क्या लगता है बुड्ढा तेरा, प्यार लगता है? हाँ प्यार लगता है मेरा, रहती है उसके बिस्तर पे मैं। पर तू क्यों पूछ रहे, क्या करने का है? काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे भी और उस बुड्ढे की भी, समझी? तू छोड़ ना, अंदर चल, सर जा अंदर चल। देख कैसे बात कर रही है मेरे से। हाँ ठीक है, तू अंदर चल। जिधर भी जाती हूँ बाबा, सब मेरे को
जैसे कि मैं कोई इस्तेमाल करने की चीज हूँ। कोई नहीं समझता मुझे, मैं इतनी मेहनत करती है घर चलाने के लिए, पर मेरे बारे में कोई नहीं। डोंट क्राई रानी। खाना खाया तू? नहीं, मेरे को भूख नहीं है। ऐसा रानी कुछ होगा तो देना खाने को इसको। टाइम देखा है, रात के 3 बज रहे हैं, कहाँ से लाऊंगी मैं खाना? तो कुछ तो होगा, देख ले, उसको भूख लगा है रे। नहीं बाबा, मैं बाहर कुछ खा लेगी। वेट, खाना खा लेना, ठीक है? चलो ठीक है। कई को खाना नहीं खिलाया उसको, तू भूखा था ना वो? अरे किसी भूखा को खिलाना अच्छा बात होता है रे। मेरे को मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है किसके साथ क्या करने का। पर तुमको, तुम लोगों को क्या बोलेगा सब? उन लाश के टुकड़े की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। लाश किसी 45 से 48 साल के आदमी की है सर। कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, लेकिन कुछ टुकड़े शर्ट में लिपटे हुए थे। पटेल टेलर। तो मैंने संगीता से नाम चेक करने को कहा है। सर पूरे मुंबई में 14 पटेल टेलर्स हैं। 2 बोरीवली, 2 माहिम, 4 सायन, 2 मीरा रोड, 2 अंधेरी और 2 कोलाबा। पूछताछ करो सर। ये सब पुलिस टीम के हाथ लगे एकमात्र एविडेंस के आधार पर शहर के सभी पटेल टेलर्स को टटोला जाने लगा। गाड़ी रोकना जरा। चाहे शराब कैंसिल गई है जी, ये हमारे यहां सिला हुआ है। हाँ यही है फिलिप डिकोस्टा। ये मिस्टर फिलिप डिकोस्टा का घर है जी। मैं फिलिप, क्या क्या हुआ है? पुरे की खाड़ी एरिया में हमें लाश के टुकड़े मिले, हालांकि अभी सर और कुछ हिस्से नहीं मिले, लेकिन एक बॉडी का हिस्सा इस शर्ट में लिपटा हुआ मिला। क्या आप इसे पहचानती हैं? आइए, ये शर्ट तो मेरा ही है, लेकिन मैंने इसे अपने छोटे भाई को दिया था। ये कैथरीन का एक्स हस्बैंड और रॉबी का बाप है। बड़े पापा, वो मेरा बाप नहीं है, मत बोलो मुझे उसका बेटा। क्या बोलेगा साहब, मेरे भाई ने काम मुझ कुछ ऐसा किया। वो कैथरीन को तब छोड़ गया था जब ये प्रेग्नेंट थी, लेकिन साहब ये हुआ कैसे? अच्छा हुआ जो भी हुआ, शर्ट में बॉडी का हिस्सा मिलने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो तुम्हारे पापा की लाश। तुम इतने श्योर कैसे हो? वो मेरा बाप नहीं है। मैं बात कर रहा है ना। हाँ चलो अंदर जाओ, वो ही नहीं से। क्या नाम है आपके छोटे भाई का? पीटर जी। पीटर डिकोस्टा नाम है उनका, मेरे सिवाय कोई नहीं उनका, बहुत अच्छे इंसान है वो। बाबा है मेरे, मतलब सगे नहीं पर मेरे को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अडॉप्ट भी करने वाले हैं, कुछ दिनों से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब उनका मिसिंग कंप्लेंट लिखिए ना। लगता है कि ये लाश किसी पीटर डिकोस्टा नाम के आदमी की है। उसकी मोबाइल बेटी यहाँ आई है, मिसिंग रिपोर्ट लिखाना। तुम छानबीन करके थाने पहुंचो, मैं पीटर के घर जाता हूँ। ओके सर। पीटर 3 दिन से मिसिंग है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। हमें शक है कि वो बॉडी पार्ट्स कोई जाती दुश्मनी थी आपकी फैमिली की,
या किसी और के साथ? आपकी उसके साथ लास्ट मुलाकात कब हुई थी? यही कुछ 6 महीना पहले। काय का हिस्सा? एक इंच भी नहीं मिलेगा तेरे को। सब कैथरीन और रॉनी का है। 16 साल पहले मेरा और कैथरीन का डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स नहीं, छोड़कर भाग गया था तुझसे जब ये प्रेग्नेंट थी। नहीं नहीं, छोड़ा इनको, मैं इनको अपना फैमिली मानता है। तुमको जो समझने का समझो, लेकिन अभी अपने को अपना लाइफ सेटल करना है। उसके लिए पैसा मांगता मेरे को। तुम घर बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन मेरे को पैसा दो। पैसा दो, नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या छोड़ से पीटा। गुरु कामना ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी दोस्त। शेयर्स का भाव 10 गुना बढ़ गया। अभी तू आगे आगे देख होता है क्या। बलदेव, ये क्या किया तूने? चल बाद में। तो फिर 30,000 रुपए दे दिए। अरे क्यों बिगाड़ रहे हो उसे? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, है? जब है हमारे पास तो जीने दो उसे अपनी जिंदगी। याद है हम लोग बचपन में 10-10 रुपए के लिए कितना तरसे? क्या फर्क पड़ता है, इंजॉय करने दो, जीने दो उसे। तू तो उसे बिगाड़ देगा, लेकिन कल जब वो मुझे परेशान करेगा तब कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? अरे जब तक उसका ये चाचा जिंदा है ना, उसे चिंता करने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। ये छोड़ो सब क्या बातें कर रहे हो। शॉपिंग करने गया था, कुछ लाया हूं आपके लिए, सरप्राइज गिफ्ट है, ये देखो। ये टी शर्ट, घड़ी, चलो फटाफट पहन के दिखाओ। बलदेव तू सच में पगला गया है, पहन के दिखाओ जल्दी। अरे थोड़ा स्माइल तो करो, थोड़ा और। अरे वाह, आप तो मुझसे भी जवान दिख रहे हैं। एक फोन आ रहा है, थोड़ा काम पटा के आता हूँ। ताला कब चला गया? काय झालं साहेब? कई दिन से लगा हुआ है। पीटर दादा कई दिन से दिखाई भी नहीं दे रहे। किसी से कोई झगड़ा या कोई मारपीट वगैरह कुछ? नहीं नहीं साहेब, लेकिन हुआ क्या है? इसको पहचानती हूँ? नहीं साहेब। ताला तोड़ो। आप यहीं रुकिए। चेक करो। सर, तिजोरी खुली है। सर, लूट का मामला लगता है। बहुत मस्त जोड़ी थी रानी और पीटर दादा की। मैंने कितनी बार पीटर दादा को बोला कि तुम दोनों शादी बना दो, पर मतलब रानी पीटर की वाइफ नहीं थी? नहीं नहीं साहब, रानी उनकी वाइफ नहीं थी। जिस बार में पीटर दादा वायलिन बजाते हैं, उसी बार के बाहर ये बलून बेचती थी। बहुत गरीब थी साहब, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। पीटर दादा बहुत बड़े दिल वाले, उनको दया आ गई इस पर। एक दिन उसको अपने घर लेके आए, पर जब भी शादी की बात करो ना, अपसेट हो जाते थे। क्यों? वो क्या है ना साहब, पीटर दादा की पहली 2 शादियां टूट चुकी थी। पहली वाली शादी के 3रे दिन भाग गई, और दूसरी कैथरीन वो प्रेग्नेंट होने के बाद चली गई। क्यों गई? अब अंदर की बात कैसे बताऊं साहब? यू नो, हस्बैंड वाइफ यानी औरत और मर्द अलग कब होते हैं? या तो औरत मर्द को खुश नहीं कर पाता, या
मर्द औरत को। और फिर वही हो गया साहब, रानी भी पीटर दादा को छोड़ के चली गई, यही कई दो महीने पहले। ये रानी अब कहाँ रहती कुछ मालूम है? मालूम नहीं साहब, पर होगी कहीं मुंबई में बलून बेचती होगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पीटर डिकोस्टा की जिंदगी के पन्ने खोल रहे थे। पुलिस हत्या के मामले को हर एंगल से जोड़कर देख रही थी। रानी का इस तरह से पीटर की जिंदगी से चले जाना पुलिस के लिए शक की वजह बन गई थी। दूसरी तरफ पीटर की पहली पत्नी कैथरीन और खुद पीटर का बेटा रॉबी शक के घेरे में थे, और एकनाथ वाघमारे से भी पुलिस कुछ भी उलवाने में नाकामयाब रही थी। तहकीकात को कोई दिशा नहीं मिल रही थी, लेकिन पुलिस टीम हाथ आते हर सुराग को आधार बनाकर आगे बढ़ रही थी। हमने रानी की तस्वीर अपने सर्वर में अपलोड कर दी है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है सर, डॉक्टर ने बताया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच भी की गई है, ऊपर में उसका इलाज चल रहा था सर, 6 साल पुराना मेडिकल हिस्ट्री है, इसीलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। सर कुछ लोगों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से मरे हुए इंसानों और जानवरों की लाशें पहाड़ी से निकालते रहता था। सर मुझे लगता है वो 999 उसने उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा। सर मेरा बेटा नादान है, मुझे छोड़ दीजिए। खोलो, हॉस्पिटल से जुड़े एनजीओ ने उसकी बेल करवा दी है, इसलिए छोड़ रहे हैं। कमल जैसी इसकी हालत है, हो सकता है ये सिर्फ एक नंबर ही हो, क्योंकि जब तक बॉडी का सर नहीं मिल जाता ये कंफर्म नहीं कह सकते कि पीटर डिकोस्टा की लाश। पॉइंट तो इसी तरफ कर रहे हैं, एकनाथ वाघमारे पर नजर। डरो नहीं, जो भी जानती हो बताओ। पीटर से कैसे मिली थी? तब वो मुझे बार के बाहर मिले थे, मुझे अपने घर ले गए, खाने पीने को दिया, रहने को दिया। तंग करता था तुम्हें? कोई परेशानी थी, मतलब कभी किसी तरह की कोई गलत हरकत करने की कोशिश की हो? नहीं साहब, उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर छोड़कर क्यों चली गई? वहां रहकर भी क्या करती साहब, वो मेरे कुछ नहीं लगते हैं, बस कुछ दिनों के लिए सहारा दिया था, शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। अब जिंदगी भर का ठेका तो नहीं लिया ना उन्होंने मेरा। शादी के लिए मना किया तो मार दिया और माल लेकर फरार हो गई। साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो तुम उसके घर में बहुत दिन तक रही थी, कहाँ पैसा रखा है, कितना पैसा रखा है, सब मालूम था। पीटर की पूरी कहानी तुमको मालूम थी, इसलिए सच सच बोलो। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं बस इतना जानती हूँ कि उन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। कम पड़ गए क्या? तो इंसान के टुकड़े करके फेंक रहा है? मैं अकेला होता तो तुमको फोन काहे को करता? एकनाथ वाघमारे है ना, उसी ने छोड़ के लाया इधर। अच्छा, अब उसका नाम डाल रहा है? मैं किधर डाल रहा है साहब, वो आया था सुबह को थैली लेने को। ए, मेरा थैली दे, मेरे को जमा करने का है। थैली मेरा थैली दे ना मेरा।
मैं इधर उसको बांध के रखा है अंदर। चल सब मर जाएंगे। चलो उसे और वो सर भी ले लो। चल। पुलिस एक एक पहलू पर एक एक स्टेटमेंट पर गौर कर रही थी। अब तक तो पीटर की छवि एक अच्छे इंसान के रूप में ही सामने आई थी। अब पुलिस के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि हत्या की वजह क्या थी। लूटपाट थी, कोई दुश्मनी थी, या फिर कोई अलग ही एंगल था। इस घटना ने एक नया मोड़ तब लिया जब पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली। फुटेज में खाड़ी के सुनसान इलाके की तरफ जाती हुई एक कार दिखाई दी और पुलिस के सारे अनुमान गलत साबित हो गए थे। रुको रुको, पीछे लो गाड़ी। सबके सामने पीटर को जान से मारने की धमकी दी, फिर उसके घर गया, उसका सारा पैसा लूटा, बेरहमी से उसको मारा और फिर 12 अक्टूबर की रात को उसकी लाश को ले जाकर खाड़ी में फेंक दिया। वाह, शिष्य हो तो तेरे जैसा। आप ही क्या बोले जा रहे हैं, गुरु थे वो मेरे। उस दिन हमारा बार में झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन नशा उतरने के बाद मैं उनसे माफी मांगने वाला था। ये मैंने उनके लिए नया वायलिन भी खरीदा था, ये देखिए सर। फोटो भी रेडी रख, मतलब अपनी सफाई का पूरा इंतजाम किया हुआ था। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। 12 अक्टूबर की रात को कहाँ था वो? मैं बार में था सर। अगर तू बार में था, तेरी गाड़ी मर्डर स्पॉट पर कैसे पहुंची? देख सच सच बता दे, वरना इतना मारूंगा एक बार में जिंदगी भर के उतर जाए। सर वो रात के 2 बजे तक मैं बार में बैठ के दारू पी रहा था और कार मैंने सर वैले पार्किंग में दी थी। संदीप की गाड़ी कहाँ ले गया था? साहब गाड़ी मैं किधर भी नहीं लेके गया साहब। साहब इधर पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम गाड़ी छोकरे लोगों को सर पार्क करने के लिए देते हैं साहब। और उस रात संदीप की गाड़ी पार्क करने कौन ले गया था? अभिषेक यादव सर। पर कहाँ मिलेगा ये अभिषेक? अक्टूबर को संदीप जोशी की गाड़ी लेकर किधर गया था? संदीप? कौन संदीप साहब? कौन संदीप? था पानी गर्म हुआ? हो साहब वो बल रहा है, डाल इसको। और सुन, सुसाइड लगना चाहिए। मैं सब कुछ सच बताता हूं, सब सच बताता हूं, मारना मत मेरे को साहब। दरअसल मैं ना बस गाड़ी पे हाथ साफ करने के लिए गाड़ी चलाता था साहब। उस दिन बस मॉल तक घुमाने लेके गया था साहब। किसको घुमाने लेकर गया था? मॉल साहब, गर्लफ्रेंड को साहब। नाम नाम कौन कौन? अंजलि साहब, अपना गर्लफ्रेंड है। अंजलि मात्रे, पीटर की मुंह बोली बेटी? अरे काय का बेटी साहब, वो पीटर उसको बहुत तंग करता था। अंजलि कहाँ है? तंग करता था और तुम अभिषेक से जाकर उसकी शिकायत करती थी, और ये भी कि 12 अक्टूबर की रात को गाड़ी में इसके साथ घूमने गई थी। अरे साहब ये झूठ बोल रहा है, इसको मैंने भाव नहीं दिया ना, इसलिए मेरे से बदला निकाल रहा है। और मैं इसके साथ इसकी गाड़ी में घूमने नहीं गई थी, और ना ही मैं इसकी गर्लफ्रेंड है। इसकी बात पे विश्वास मत करना साहब, एक नंबर की बच्ची है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? आप अली को पूछ के देख लो।
साहब हमने तो अंजलि की मदद की थी, आगे फ्रेंडशिप थी हमारी, पर मर्डर के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने तो बॉडी भी नहीं देखी। साहब अंजलि बहुत चालू लड़की है, एक टाइम पे हम दोनों को एक साथ घुमा रही थी, पर ये मालूम नहीं था कि मर्डर भी कर देगी। क्या हुआ तुम लोग इतना परेशान क्यों? यार वो पीटर अंकल मर गया। कैसे? इसके साथ बहुत गलत करता था, अभी उसका उसका लाश उसके घर पे है। अपना तो दिमाग शॉर्ट हो गया, तू बता क्या करने का है भाई? इतनी बड़ी लाश को ठिकाने कैसे लगाएगा? देख भाई मैं तुझे लाश को काटने के लिए कोयता और थैला दे सकता हूँ, पर भाई मैं तेरे साथ जाऊंगा नहीं। साहब ये लोग झूठ बोल रहे, मेरे को बदनाम कर रहे, ये लोग का बुरा नजर मेरे पे पहले से ही था, लेकिन जब मैंने इन लोग को मना किया तो मेरे को बोले तेरे से बदला जरूर लेंगे, और मेरे बाबा को मार कर ले लिया बदला। साहब ये झूठ बोल रही है साहब, मेरे को आके बोली कि पीटर इसके साथ मौज मस्ती करता था और फिर वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गया, उसी का बदला निकाला इसने उसको मार के। बाबा बहुत अच्छे थे साहब, मेरे साथ कभी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अरे वो तो मेरे को बोलते थे कि औरत को खुश करना उनका बस का बात नहीं है, तभी सभी औरतें उनको छोड़कर चली गई सा। ये लोग बहुत चालाक हैं, इन सबकी कॉल डिटेल्स निकलवा, पता करो कौन कौन किसके टच में था, कहीं किसी बाहर वाले आदमी को तो अपॉइंट नहीं किया था पीटर को मारने। और हाँ रानी की भी पूरी हिस्ट्री निकलवाओ, किन दो महीनों में वो कहाँ रही और किसके साथ। पीटर डिकोस्टा मर्डर की कहानी रोज एक नया मोड़ ले रही थी, पुलिस के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था कि ये जाना जा सके कि क्या पीटर वाकई इम्पोर्टेंट था। सच और झूठ को सामने लाने के लिए ये तर्क भी पुलिस की तरफ से अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही था। कैथरीन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन मैंने किया क्या है? मेरी मॉम को कहाँ ले जा रहे हो? हमने किया क्या है? देखिए ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, कुछ पूछताछ करनी है पीटर के बारे में। बड़े पापा अब वकील को बुलाइए। देखिए बेटर ये होगा कि आप हमारे साथ कॉपरेट कीजिए। चलिए बड़े पापा, पर मेरी मॉम को लेके क्यों जा रहे हो अब? देखिए डरिए नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि आपके एक्स पति पीटर सेक्सुअली वीक थे और इसी कारण से उनकी पहली पत्नी और फिर आप भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। अगर आप चुप रहेंगी तो आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझूंगा। ये सवाल केस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज। सर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है फिर सीधा सवाल करते हैं, रॉबी किसका बेटा? सर ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? मैं किसी भी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ जिससे आपको तकलीफ हो। माना कि पीटर बहुत अच्छा इंसान था लेकिन सेक्सुअली वीक था, तो सवाल ये उठता है कि रॉबी किसका बेटा है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो हमें रॉबी का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा और फिर फिलिप को। प्लीज स्टॉप इट सर, फिलिप इज लाइक माय ब्रदर, अंदर तो पीटर था सर। तो फिर पहले झूठ क्यों बोला था? सर पीटर जैसा भी था आई लव्ड हिम, मरने के बाद उसे बदनाम नहीं करना चाहती थी मैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ हरकत नहीं, हाँ चले 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 वक्त में। सर हमने अली और अभिषेक के फोन कॉल्स की जांच की थी, उनके नंबर से अंजलि को कॉल्स होते भी थे और वो भी उन्हें कॉल करती थी। मतलब अंजलि का इन लोगों से गहरा रिश्ता था। सर एक इंटरेस्टिंग नंबर है, क्या देखिए 444-2525। कुछ महीने पहले अली और अभिषेक के नंबर से इस नंबर पर कई बार कॉल्स हुए हैं। किसका नंबर है? सर किसी बलदेव चौहान का। बलदेव चौहान, जी बलदेव चौहान यही रहते हैं? जी मैं उसका बड़ा भाई हूँ। 6 महीने पहले वो अपने किसी निजी काम से बाहर गया था, तब से घर पे नहीं लौटा है। हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की थी, उसकी गाड़ी तो मिली लेकिन वो नहीं मिला। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा उनके साथ? शेयर मार्केट में बिजनेस करते थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उनका कोई पर्सनल सामान लैपटॉप वगैरह कुछ है घर पे? लैपटॉप है, मैंने उसे खोलने की कोशिश की थी लेकिन उसे पासवर्ड लगा हुआ है इसलिए वैसे ही रखा है। मुझे वो लैपटॉप और उनकी भी तस्वीर चाहिए। देखो रानी तुम्हारा सच बोलना हमारे लिए और इस केस दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बिना डरे बताओ पीटर के साथ रहती थी ना?
कैसे संबंध थे उसके साथ? तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन था कि नहीं? आशा बोल रही थी कि तुम दोनों को देखकर लगता था कि बात शादी तक जा चुकी थी। अच्छा वो लड़की अंजलि, उसके साथ कैसे संबंध थे? पहले वो मेरे साथ मौज मस्ती किया, दारू पी के मेरे साथ बहुत बुरा बुरा करता था। मैं क्या करती साहब, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस बच्चों की वजह से चुप थी। उनको छत तो मिली हुई थी ना, लेकिन जब ही मुझे अंजलि के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो मैं उससे पूछी कि वो तो मुझसे शादी बनाने वाला था ना, फिर ये सब काई को मुझे मारने पीटने लगा साहब। मैं समझ गई थी कि मेरा इस घर में टाइम हो गया है। दूसरी लड़की आ गई थी ना। सर, एक मिनट। जिस आदमी बलदेव से ये तीनों बात कर रहे थे वो पिछले 6 महीने यानी अप्रैल से मिसिंग है। फिर उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया और कुछ दिनों बाद एक खाड़ी से उसकी कार मिली थी। पुलिस कंप्लेंट भी की थी उसकी फैमिली ने। सर, उसके घर से एक लैपटॉप मिला है जो आईटी सेल ने ओपन किया। बोल दो कि ये तुम्हारा नंबर नहीं है, ये वीडियो फुटेज में तुम नहीं हो, कोई और है। बोल दो कि बलदेव चौहान से कोई रिश्ता नहीं था और पीटर बाप था। एक लड़की जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी, माँ और भाई दोनों से दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं हो पाता था। भाई उपदेश झाड़ता था, माँ कहती थी कि जा जाके कमा के लेके। जब बाहर निकली तो ये कि अभिषेक मिला मेरे को। प्यार का नाटक करता था पर सिर्फ मेरा जिस्म पाने के। क्या है रे अंजलि, कितना भाव खाती है, लवर के लिए भी नहीं। पागल थी मैं साहब, जिस्म देख के दिल पाना चाहती थी, लेकिन जब इसका दिल भर गया तो अपने दोस्त को लेके आया। प्रॉब्लम क्या है तेरे को? अरे फ्रेंड है अपना। तू ये क्या बोले जा रहा है, गर्लफ्रेंड है मैं तेरी? अरे बच्चों जैसी बातें मत कर यार। अच्छा देख, रिया भी अपना गर्लफ्रेंड है, अपन उसको भी लव करता है, मतलब मैं 1/2 करे तो ठीक और तू करे तो गलत, काहे को? आजा बच्ची, चल अभी मैं निकलता है। हटा इसको। ऐसे कैसे अपने सपने पूरे करेगी तू? जब इनका दिल भर गया तो अभिषेक मेरे को बोला कि भी लंबा खेल खेलना है। हमने बलदेव से दोस्ती की एक स्टॉक ब्रोकर के जरिए और उसको फंसाया। हमने पता कर लिया था कि बलदेव के पास बहुत पैसा है, फिर जब अभिषेक ने उसे ब्लैकमेल करना चाहा। चुपचाप जितना पैसा मांगते जाएं उतना देते जाओ, ठीक है? और पुलिस को खबर करने की कोशिश की ना तो तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। कौन सा वीडियो? ये वाला। तू ये वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल करेगा इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम दोनों को अंदर कराऊं। निकल बाहर, ए गाड़ी से बाहर निकल, चल। फिर हमने उसका सारा माल लूट लिया, उसके जेब से एक एक चीज निकाल दी। अब देख, जो हो गया सो हो गया, गुजरात का बात है ना, पुलिस को कोई सबूत मिलेगा और ना वो अपन तक पहुंचेंगे। अरे 5 महीना होने को आया, अब कोई मर्डर वर्डर नहीं, बस पैसा बना दो।
अब पैसा फेंक के जा रहे हैं और ये बुड्ढा पैसा बना के अभी लेते हैं इसको चक्कर में। फिर मैंने पीटर से दोस्ती की। पीटर मेरे को बार बार बोलता था कि मैं इनका साथ छोड़ दूं। उसने मुझे पहले ही बता दिया था उसकी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो कोई भी औरत को खुश नहीं रख सकता। तभी उसकी औरत उसको छोड़ के चली गई। फिर मैंने भी उसे अपना दुगड़ा सुनाया। उन तीनों ने मिलकर मेरी इज्जत लूटी, मेरे को धंधे वाली बना दी। मैं तेरे को बोला था अंजलि, वो लड़का लोग अच्छा नहीं है, दूर रहने का था उनसे। पर डोंट वरी, मैं तेरा ध्यान रखेगा, तेरे को एडॉप्ट करेगा, मैं बेटी बनाएगा तेरे को। पीटर ने मेरे को अपने घर में जगा दी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बाबा बाबा मानती हूँ ना, मैंने तेरे को ऐसा कभी देखा ही नहीं। ए अनिल, नॉन से ना, तेरे को सब कुछ देगा, तेरा नाम कर देगा सब। फिर मेरे को सही लगा, दो दो हजार के लिए इधर उधर सोने से अच्छा था कि मैं पीटर के साथ रहती। लेकिन वो पीटर कुत्ते की दुम था, कुत्ते की दुम। It was really good. मगर कौन थी वो? ये तेरे वो खाना बना रहे हो, कुछ अच्छा बना। मैं ना कोई खाना बनाने वाली नहीं है। कौन थी वो? ए तेरे को क्या करने का रे? मेरा वाइफ बनने का कोशिश मत कर, समझा? औकात में रहने का जो भी करते हैं ना हम लोग, उसका पैसा देता हूँ मैं। चल कुछ खाना बना जा। अभिषेक, क्राइम किसी भी ज्यादति का बदला नहीं हो सकता। इतनी सी उम्र में इतने सारे क्राइम कर डाले और अब बाकी की जिंदगी जेल में। आई एम सॉरी बट बलदेव इज नो मोर। हमने गुजरात पुलिस से भी कंफर्म किया, 6 महीने पहले उनका मर्डर करके उन्हें जलाकर मार दिया गया था। पुलिस ने लावारिस समझ के उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, पीटर दादा ऐसा कुछ कर सकते हैं? अंजलि रानी और कैथरीन की गवाही के मुताबिक पीटर ड्यूअल पर्सनालिटी का शिकार था। रात को शराब पीकर वो औरतों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता था। दूसरी तरफ दिन में अपने नजदीकी लोगों के बीच उसने अपनी एक साफ सुथरी इमेज बनाकर रखी थी। अपनी बुरी सोच और ख्वाहिशों को वो अपने नेक बने रहने के लिबास में छुपा लिया करता था। आज भी लोग पीटर के इस घिनौने रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अंजलि ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुना। उसने पीटर से बदला तो ले लिया पर वो भी सही नहीं था। और तीसरी ओर बलदेव भी अपनी ख्वाहिशों की बलि चढ़ गया। एकनाथ वाघमारे दिमागी तौर पर बीमार था, इसलिए उसे इलाज के लिए भेज दिया गया और इस मर्डर से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। अपनी ख्वाहिशों या अरमानों को पूरा करना गलत नहीं है, लेकिन जरूरी यह है कि उसके लिए एकदम सही रास्ता चुना जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।